हेलो बच्चे, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक सिस्टमैटिक वे में पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करने जा रहा हूं। बस आवश्यकता है कि आप प्रत्येक लेक्चर को शुरू से लास्ट तक सुने और समझें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके अंदर हर कंफ्यूजन को मिटाकर आपके अंदर एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। तो शुरू करें। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सिंबल और नेम याद रखना होगा और याद होगा भी। कम से कम 1 to 30, 1 से 30 तक के, यानी फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फाइव बोरॉन, सिक्स कार्बन, सेवन नाइट्रोजन, एट ऑक्सीजन, नाइन फ्लोरीन, टेन नियोन, इलेवन सोडियम, ट्वेल्व मैग्नीशियम, थर्टीन एल्युमिनियम, फोर्टीन सिलिकॉन, फिफ्टीन फास्फोरस। इस तरह से 118 एलिमेंट्स तक के पता चल चुका है। तो कम से कम 1 to 30 याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके और अच्छी बात है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बचपन में इंग्लिश सीखने से पहले उसके अल्फाबेट को याद किए थे, जैसे ए टू जेड में 26 अल्फाबेट होता है और इसी अल्फाबेट्स के म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से डिफरेंट वर्ड बनता है। जैसे इसी में से एक अल्फाबेट लेते हैं डी, दूसरा ओ और जी, एक वर्ड मिल गया। अब इस वर्ड्स के अल्फाबेट को थोड़ा रिवर्स वे में अरेंज करते हैं, यानी जी ओ डी डॉग बन गया। अब हम यहां क्या देखें कि दोनों ही वर्ड के अल्फाबेटिकल कंपोजिशन सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर गया, तो इसका सेंस बदल गया, मीनिंग बदल गया। ठीक जिस तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट के चेंज हो अरेंजमेंट से डिफरेंट वर्ड मिलता है और चेंज होने से वर्ड का सेंस बदल जाता है, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में भी देखेंगे। केमिस्ट्री में भी एक एलिमेंट लेते हैं के सी एन, हो गया पोटेशियम साइनाइड, दुनिया का हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है, और सिर्फ इसके अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, कंपोजिशन वही रहे, सिर्फ अरेंजमेंट बदल देते हैं, यानी के एन सी। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि इंग्लिश में अल्फाबेट का अरेंजमेंट बदल गया तो वर्ड का सेंस बदल गया, उसी तरह से एलिमेंट्स का भी अरेंजमेंट कंपाउंड में चेंज कर देते हैं तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाता है। और ठीक इसी तरह से दुनिया में जितना सारा भी कंपाउंड्स देख रहे हैं, इसी सारे एलिमेंट के डिफरेंट अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन से ही बना है। अब इसी में से एक और एग्जांपल लेते हैं, H2+O2 बन गया H2O, बड़ा फेमस कंपाउंड है। यहां पर हम हाइड्रोजन एलिमेंट लिए, ऑक्सीजन एलिमेंट लिए और एक कंपाउंड मिल गया वाटर, और एलिमेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड मिला। लेकिन यहां खास बात क्या है कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी कुछ है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी कुछ है और कंपाउंड का प्रॉपर्टी कुछ और ही है। अब हाइड्रोजन का एक कॉमन प्रॉपर्टी जानते होंगे कि कंबसबल गैस है, हाईली कंबसबल है, और ऑक्सीजन कंबसन में सपोर्ट करता है, यानी हाइड्रोजन खुद जलने वाला, ये जलाने वाला, और इस दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बना जले हुए को बुझाने वाला। कितना चेंजिंग आ गया, यानी कह सकते हैं जब एलिमेंट एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है तो उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल जाता, और इस तरह से इतना सारा एलिमेंट्स है तो आपस में सही म्यूचुअली कंबाइन करके इनफिनिटी नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। जिस तरह से 26 अल्फाबेट्स आपस में म्यूचुअली कंबाइन करके
इनफिनाइट नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसी सब एलिमेंट्स और कंपाउंड के मिलने से यह सृष्टि का निर्माण हुआ है और हम लोग इसी सारे एलिमेंट कंपाउंड्स पर डिपेंडेंट है। जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, यानी आपका आठवां एलिमेंट है। पानी पीते हैं, वाटर, यानी ये कंपाउंड है। खाना खाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, जो भी है, यानी कह सकते हैं कि जो भी हम श्वास में ले रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो उसमें से सारा का सारा एलिमेंट और कंपाउंड्स ही है। और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा शरीर भी एलिमेंट्स और कंपाउंड से ही बना हुआ है। यहां तक कि हम जिस दिमाग से सोचते हैं वो ब्रेन भी एलिमेंट और कंपाउंड से ही बना हुआ है। अब ये तो यूं ही इससे रिलेटेड कुछ बात था। अब हम मेन टॉपिक इस पर आते हैं। सबसे पहले यहां जितना भी एलिमेंट देख रहे हैं इसमें से बहुत सारे एलिमेंट आप लोग देखे होंगे, जैसे कार्बन ग्रेफाइट का फॉर्म है, यानी ग्रेफाइट, डायमंड, नाइट्रोजन दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, यानी 78% हाइड्रोजन ही होता है। ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर का एक अच्छा मेजर कंपोनेंट है, ये 21% हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो ऑक्सीजन तो दिखता नहीं लेकिन इसको फील कर सकते हैं, हर क्षण श्वास में हम ले रहे हैं। फिर आप लोग एल्युमिनियम को देखे होंगे, फिर इसी तरह से आयरन देखे, कॉपर देखे, जिंक देखे, सिल्वर देखे। तो इसमें से बहुत सारा एलिमेंट्स आप लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में आया है और बहुत सारा ऐसा है जिसके बारे में सिर्फ सुने हैं, देखे नहीं है। अब जो भी एलिमेंट्स है इसका अपना एटम्स होता है, जैसे कार्बन एक एलिमेंट लिए इसका भी एटम होगा। और ऐसा माना जाता है दुनिया में किसी भी एलिमेंट का एटम हो स्फेरिकल होता है और इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक उसी तरह से अगर नाइट्रोजन का एटम लेते हैं तो इसका भी एटम स्फेरिकल ही होगा, स्फेरिकल ही होगा, इसके भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अगर ऑक्सीजन का एटम लेते हैं तो इसका भी एटम स्फेरिकल ही होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा और इसके भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो ऐसा बात पहले ही से आप लोग जानते हैं, लेकिन यहां क्या खास बात है कि सभी के सभी एटम एक जैसा दिख रहा है, सभी एक जैसा, कोई अंतर दिख नहीं रहा, लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, एलिमेंट अलग अलग है। ये कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ग्रेफाइट देखे होंगे, डायमंड सॉलिड होता है ना, नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म है, तो सभी का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग है, जो भी है। तो अगर एलिमेंट अलग है तो इसका एटम भी अलग अलग दिखना चाहिए और होता भी है। तो देखें क्या डिफरेंस है डिफरेंट एटम में। तो सबसे पहले यह ध्यान रखेंगे कि जिस एलिमेंट का जितना एटोमिक नंबर उसके न्यूक्लियस में प्रोटोन भी उतना ही और इलेक्ट्रॉन भी उतना ही। रहा न्यूट्रॉन के बाद तो प्रोटॉन के इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है या लोअर भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। यानी फिर से इस बात को देखें, जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतना ही, इलेक्ट्रॉन उतना ही यदि एटम न्यूट्रल है। रहा न्यूट्रॉन की बात तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है या लेस भी, यानी कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन जो है वो वेरिएबल हो सकता है, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन वेरिएबल हो सकता है। लेकिन रहा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात
तो ये हमेशा फिक्स्ड होता है और ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, लेकिन यदि न्यूट्रल एटम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा, अगर चार्ज आ जाता है एटम पर तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन वैरी करेगा। ठीक, अब आए हम नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसके भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन भी 7 रहा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन बदल सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी न्यूट्रॉन भी यहां वेरी किया और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फिक्स है जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल। रहा ऑक्सीजन की बात, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 8 ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होगा। रहा न्यूट्रॉन की बात, तो न्यूट्रॉन 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, यानी न्यूट्रॉन वेरिएबल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये फिक्स्ड जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, है ना, इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इसी तरह से जितना भी सारा एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर को देख करके बता सकते हैं कितना प्रोटॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। अब इसके बाद है कुछ टर्म वो जानना है, तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल, यानी किसी भी एलिमेंट के सिंबल को सही ढंग से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस तरीका को देखेंगे, फिर इसके बाद मास नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ये सब देखेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल। अब देखिए इसका एक खास इंपोर्टेंस है क्योंकि हम केमिस्ट्री में अपना मैक्सिमम काम सिंबल ही लिख करके चलाते हैं, तो उस सिंबल को तो सही ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए तो आना चाहिए। तो अब देखेंगे सिंबल रिप्रेजेंट का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले जिस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना हो उसका सिंबल लिखेंगे। आप कहेंगे कि तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, तो नहीं, ये सिर्फ सिंबल लिख देना इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन है। इसके परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस एलिमेंट से रिलेटेड कुछ डाटा लिखना होगा। उस डाटा को लिखने के लिए 4 प्लेस फिक्स किया गया है, इसमें से 2 प्लेस लेफ्ट साइड, 2 प्लेस राइट साइड। अब देखिए ये लेफ्ट साइड सबस्क्रिप्ट नीचे वाले पोजीशन पर, यहां हम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर जिसको कि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग जस्ट अभी जान चुके हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर वाले पोजीशन पर क्या लिखा जाता है, तो इस पोजीशन पर एलिमेंट का मास नंबर लिखा जाता है, मास नंबर, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से एटॉमिक नंबर को जेड से, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर का एक और नाम है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर क्या होता है, इक्वल टू सम एड ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इस पोजीशन पर एलिमेंट का एटॉमिक मास, इस पोजीशन मतलब राइट साइड सुपर स्क्रिप्ट, राइट साइड सुपर स्क्रिप्ट, इस पोजीशन यहां पर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट लिखेंगे और राइट साइड सबस्क्रिप्ट इस पोजीशन पर हम यहां एटोमिसिटी लिखते हैं, एटोमिसिटी। अब बारी बारी से डिफरेंट टर्म को डिटेल जानेंगे।
तो आप लोग एटॉमिक नंबर तो समझ चुके हैं, बस इतना ही इसमें जानना है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मास नंबर जानेंगे क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग टर्म है, अधिकांश अच्छे अच्छे बच्चों को देखे कि मास नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट को बिल्कुल सेम समझ लेते हैं, कहते हैं कि ये एक चीज है, सेम चीज है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग चीज है। मास नंबर एक अलग चीज है, एटॉमिक मास अलग चीज है और एटॉमिक वेट अलग चीज है, तीनों तीन चीज है, तीनों सेम नहीं है। ध्यान से इस तीनों में क्या अंतर है, आगे जिससे हम टॉपिक पढ़ेंगे समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले ये सारे टर्म में हम मास नंबर को समझते हैं कि क्या है, मास नंबर क्या है। अच्छा होगा कि हर एक पॉइंट का एक अच्छा सा नोट्स बनाते जाइए, जो कि हमेशा आप लोग को याद रहे। अभी तो वीडियो देखेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन कॉपी पर लिखा रहेगा, बार बार देखेंगे याद रहेगा। तो मिटा दे। तो अब अगला टॉपिक हम मास नंबर बताने वाले हैं। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर, ठीक है। तो देखिए मास नंबर, मास नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं मास नंबर को समझने के लिए, एक एलिमेंट फिर लेते हैं, जैसे कार्बन लिए। अभी आप देखिए कि एलिमेंट का सही रिप्रेजेंटेशन क्या है, फोर प्लेस होता है और अलग अलग प्लेस में एक पार्टिकुलर चीज को लिखा जाता है। तो हम तो अभी सिर्फ एटॉमिक नंबर समझे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक नंबर यहां लिखा जाता है। अब कार्बन एटम का एक फिगर बनाते हैं, तो चलिए लिखिए ऐसा, एटम स्फेरिकल होता है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन। अभी बेसिक तौर पर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो अलग से एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा चैप्टर, वहां एटम के बारे में डिटेल पढ़े, लेकिन एटम का एक बेसिक बात हम सिर्फ देख रहे हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन के एक एटम का फिगर बना रहे थे, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटोन और न्यूट्रॉन, इसके अराउंड कौन निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन। जानते हैं प्रोटोन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, न्यूट्रॉन पर एन न्यूट्रल होता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 6 होगा, यानी कार्बन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, रहा न्यूट्रॉन की बात, तो न्यूट्रॉन 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और भी हो सकता है, कार्बन का 6 आइसोटोप पता चल चुका है। अब फिर से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, रहा न्यूट्रॉन तो वैरी कर सकता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। अब यहां हम क्या देखेंगे कि अलग अलग कार्बन एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन अलग अलग मिलेगा। तो यहां एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कार्बन का कोई ऐसा एटम मिलेगा जिसमें प्रोटॉन तो 6 होगा ही, न्यूट्रॉन भी 6 मिल सकता है, कोई ऐसा कार्बन एटम मिलेगा जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 6 है ही और होगा भी, लेकिन न्यूट्रॉन 7। कोई ऐसा भी एटम मिला, प्रोटॉन तो 6 होगा ही, न्यूट्रॉन 8। कोई ऐसा मिलेगा, प्रोटॉन तो 6, न्यूट्रॉन 5। अब ये सारा का सारा कार्बन ही, सभी के पास प्रोटॉन 6 है, बदल कौन रहा है, न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन बदलने का कारण क्या होगा, तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम सिंबल लिखे सबका, तो इसके पास है, सबके पास प्रोटॉन 6 है, तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, इसका भी 6, क्योंकि प्रोटॉन सबके पास 6 है। बदलेगा कौन, तो मास नंबर। मास नंबर होता है क्या, सम ऐड ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो यहां सम ऐड कीजिए, 6 6 12, इसका मास नंबर 12, इसका मास नंबर 13, इसका मास नंबर 14, इसका मास नंबर 11। और ऐसा जो देख रहे हैं एलिमेंट सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, और ऐसे ग्रुप को कहते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, तक ये सारा का सारा कहलाएगा आइसोटोप्स।
ऑफ कार्बन। कार्बन आइसोटॉप्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम, यानी जेड क्या होगा? सेम, बट मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। ठीक, और इसी को कहते हैं आइसोटॉप्स। फिर से लिख देते हैं आइसोटॉप्स। और इस तरह से कार्बन का इतना आइसोटॉप, यहां तो आप फोर आइसोटॉप देख रहे हैं, कार्बन 12, 13, 14, 11 भी देख रहे हैं, ऐसा ऐसा सिक्स आइसोटॉप के बारे में पता चल चुका है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आगे, तो यहां क्या देखें, इसी बेसिस पर एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एक एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन का, बड़ा फेमस एलिमेंट है, कार्बन भी फेमस था। देखिए, तो अगला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वन, हाइड्रोजन एटम का फिगर बनाते हैं, तो इसका भी एटम स्फेरिकल, इसका भी न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में प्रोटोन कितना? वन, क्योंकि एटॉमिक नंबर वन है। रहा न्यूट्रॉन की बात, तो न्यूट्रॉन के बारे में बोले हैं कि प्रोटोन के इक्वल भी होता हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं, अगर लेस होगा तो एक से लेस कितना हो सकता है? जीरो ही, यानी हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जीरो भी हो सकता है, या वन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या ग्रेटर भी टू भी हो सकता है। अब यहां हमें हाइड्रोजन एटम में प्रोटोन और न्यूट्रॉन का एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो देखें यहां कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम मिलेगा जिसके न्यूक्लियस में प्रोटोन तो वन लेकिन न्यूट्रॉन जीरो, कोई ऐसा भी कॉम्बिनेशन मिलेगा प्रोटोन तो वन न्यूट्रॉन भी वन, फिर ऐसा भी कॉम्बिनेशन मिलेगा प्रोटोन वन और न्यूट्रॉन टू, प्रोटोन वन और न्यूट्रॉन टू, और इस तरह से कार्बन का हाइड्रोजन का थ्री आइसोटोप्स मिला। अब इस आइसोटोप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर वन, मास नंबर वन और जीरो वन, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, इसका मास नंबर वन वन टू, इसका मास नंबर टू वन थ्री, इस तरह से हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप मिला है। और यहां पर आइसोटोप का एक खास स्पेसिफिक नाम दिया गया है, हाइड्रोजन के इस आइसोटोप यानी वन वन को प्रोटियम बोल दिया गया है। प्रोटियम, प्रोटियम इसलिए बोला गया कि दुनिया का ये इकलौता एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता ही नहीं, सिर्फ प्रोटोन होता है, सिर्फ प्रोटोन मिलने के कारण इसका नाम पड़ गया प्रोटियम। हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप देखें, मास नंबर टू है और नाम रख दिया इसका ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के इस आइसोटोप का नाम दिया गया ट्रिटियम। अब अलग अलग आइसोटोप का अलग अलग नाम दिया गया है, तो इसका सिंबल भी बदल दिया गया है, यानी प्रोटियम का तो सिंबल सेम रह गया, ड्यूटेरियम का सिंबल यानी ऐसे भी लिख सकते हैं डी वन और टू, ट्रिटियम का सिंबल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं टी वन और थ्री। ठीक, इस तरह से इसके अलावा और भी जितना सारा एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट में इसी तरह से न्यूट्रॉन के नंबर में वेरिएशन के कारण अलग अलग आइसोटोप्स मिलेगा और अलग अलग उसका मास नंबर होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। और इस तरह से हम आइसोटोप के भी बारे में समझे कि आइसोटोप होता है क्या, जैसा कि यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन का थ्री आइसोटोप, कार्बन का सिक्स आइसोटोप, हर एलिमेंट का आइसोटोप्स होता है। अब इसके बाद हम कुछ इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि वो अभी समझ लेना अच्छा होगा। तो चलिए कुछ सिंपल सा क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, क्या कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है कि एक एलिमेंट का सिंबल लिख दिया जा रहा है, जैसे एल्यूमिनियम लिखे, इसका मास नंबर लिख दिया एटॉमिक नंबर, यानी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर लिख दिया और फिर इसका मास नंबर 27। अब पूछा जा रहा है कि सिंबल देख के बताइए कि इस एलिमेंट के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, इस एलिमेंट के पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, बता दीजिएगा। ये सिंबल देखकर के कह सकते हैं कि इस सबस्क्रिप्ट पर यहां एल्यूमिनियम के नीचे और ये लेफ्ट साइड यानी सबस्क्रिप्ट पोजीशन पर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर है,
और इसके सुपर स्क्रिप्ट पर यह मास नंबर लिखा हुआ है। और ये भी जानते हैं कि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर कंफर्म है, प्रोटोन उतना ही होगा, यानी प्रोटोन हो गया 13, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी इक्वल टू 13, यानी एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटोन भी क्या हो गया 13। रहा न्यूट्रॉन की बात, तो आप जानते हैं कि ऊपर मास नंबर है और मास नंबर यानी ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन। हमें P पता है, A पता है, यानी ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा न्यूट्रॉन कितना होगा। बस स्पष्ट है कि A माइनस P यानी A माइनस Z, यानी न्यूट्रॉन पता करना है तो मास नंबर और माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। मास नंबर कितना है 27, एटॉमिक नंबर कितना है 13, यानी इक्वल टू 14 न्यूट्रॉन मिल गया। रहा इलेक्ट्रॉन की बात, इलेक्ट्रॉन की बात, तो आप तो जस्ट अभी देखे कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। या इसके लिए एक सिंपल सा हम फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड माइनस चार्ज, जेड माइनस चार्ज याद रखेंगे। तो जेड कितना है इसका एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13, चार्ज एल्यूमिनियम पर कितना है कुछ भी नहीं, जीरो, 13 माइनस जीरो यानी इक्वल टू 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इस तरह से इस सिंबल को देख करके पता चला कि एल्यूमिनियम के इस आइसोटोप के पास प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन 14 है और इलेक्ट्रॉन भी 13 है। तो ये तो न्यूट्रल आइटम था, अगर इस पर कोई चार्ज दे देते हैं तो देखिए क्या होता है, कोई चार्ज दे देते हैं, ठीक। तो अगला फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा यहां लिख देते हैं O 8 और 18 ऑक्सीजन का एक आइसोटोप लिए हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 18 है। अब पूछा जा रहा है कि सिंबल देख करके बताइए कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, न्यूट्रॉन्स कितना होगा और इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। बड़ा आसान है, तो चलिए इस पोजीशन पर ये तो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और ये है मास नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 8। रहा न्यूट्रॉन की बात, तो ए माइनस जेड यानी 18 माइनस 8 यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू 10 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 10 मिला, ठीक। रहा इलेक्ट्रॉन की बात, हाँ यहां पर माइनस चार्ज दे देते हैं 2 माइनस, अब निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर में फर्क पड़ जाएगा। तो देखिए क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू जेड माइनस चार्ज, जेड कितना है 8 माइनस चार्ज कितना है माइनस 2 लेंगे यहां माइनस 2, तो 8 माइनस माइनस 2 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से इसमें भी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन मिल गया। फिर एक और अगला एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एनायन का केस था, ये तो न्यूट्रल आइटम था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, यहां पर माइनस दे दिया एनायन है। अब एक कैटायन का केस लेते हैं, इसमें देखिए क्या होता है। अब ऐसा एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, Fe 26 और 56 ऐसा लिए, यानी आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 56 लिए है, यानी आयरन 56 ये। अब इसमें पूछा और चार्ज दे देते हैं, इस पर 3 प्लस दे देते हैं, 3 चार्ज है। अब ये सिंबल देख करके पता कीजिए कि जो दिया गया सिंबल्स है इसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, न्यूट्रॉन्स कितना है और इलेक्ट्रॉन्स कितना है। स्पष्ट पता चल जाता है कि यहां ये लिखा हुआ निश्चित रूप से एटॉमिक नंबर है, पोजीशन देखकर पता चलता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा 26 ही होगा, प्रोटॉन 26 ही होगा। रहा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का बताए थे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर कितना 56, मास नंबर 56, एटॉमिक नंबर कितना 26, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया यानी इक्वल टू 30, यानी 30 न्यूट्रॉन, 30 न्यूट्रॉन। रहा इलेक्ट्रॉन की बात, बस यहां देखें
क्या है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, ऐसा यहां निकाले तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, चार्ज कितना दिया हुआ है प्लस 3, यानी माइनस प्लस 3, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू यानी 23। इस तरह से अब कोई भी स्पेसिस दिया है आप देख करके स्पष्ट बता सकते हैं कि उस पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा, चाहे वो न्यूट्रल आइटम रहे यानी कोई चार्ज न रहे, या एनायन रहे या कैटायन, इसी तीन तरह का कंडीशन होगा। अब इस बात फिर एक एग्जांपल देते हैं, यहां पर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के बारे में बताएंगे और खूब अच्छे ढंग से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस समझने वाले हैं। तो चलिए आप नोट भी करते जाइएगा साथ में। अब अगला आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होता है क्या कि ऐसा ग्रुप स्पेसिस का जिसमें सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे हम कुछ कैटायन एनायन और न्यूट्रल स्पेसिस दे रहे हैं। देखिए हम ले लिए Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, उस बाद कार्बन C4 माइनस N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, यानी ये सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। यहां सिर्फ एटॉमिक नंबर और चार्ज लिखा गया है, एक और लिख देते हैं नियोन भी लिख देते हैं, नियोन 10, 10 नियोन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो। ठीक, यहां डिफरेंट स्पेसिस देते हैं। अब पूछा जा रहा है कि बताइए किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे स्पेसिस में कैलकुलेट कीजिए। बड़ा सिंपल सा बात है। तो जस्ट अभी देखिए कि न्यूट्रल आइटम के केस में, न्यूट्रल आइटम के केस में जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 हो गया, हमें मिल गया। यहां देखिए कैटायंस है और इस केस में हम जानते हैं कैटायन हो एनायन या कोई भी चार्ज हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, यानी 11 माइनस प्लस 1, 11 माइनस प्लस 1 यानी प्लस 1 चार्ज है, तो यहां भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए एटॉमिक नंबर 12 माइनस प्लस 2, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी 10 मिला। यहां देखिए एटॉमिक नंबर 13 माइनस प्लस 3, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी 10 मिला। यहां देखिए 6 माइनस माइनस 4, यानी एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, तो यहां प्लस था तो माइनस प्लस 3 किए थे, यहां माइनस है तो माइनस माइनस 4 किए, और यहां भी मिला हमको 10 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए एटॉमिक नंबर 7 माइनस माइनस 3 माइनस 3, यहां भी मिला 10 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए 8 माइनस माइनस 2, यहां भी मिला 10 इलेक्ट्रॉन। यहां भी देखिए 9 माइनस माइनस 1, यहां भी मिला 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ये सारे स्पेसिस जितने भी लिखे सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा ग्रुप स्पेसिस का तो स्पेसिस तो अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम मिले, तो इसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस यानी ग्रुप ऑफ स्पेसिस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब इसके बाद का अगला टॉपिक हम समझेंगे एटॉमिक मास यूनिट, उसके बाद एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, इसके बाद आपको स्पष्ट अंतर पता चल जाएगा कि मास नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट तीनों तीन चीज है। तो चलिए इस बार फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।